हेलो डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रशस्त जैन सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स सो स्टूडेंट वीडियो सॉल्यूशंस की सीरीज़ में जैसा आप लोग जानते हैं कि जेई मेंस में 2019 एंड 20 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें टॉपिक वाइज आपको uh, समझाया जा रहा है तो आज की इस वीडियो सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम लोग सर्किल चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे लेट एस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन तो इसमें स्टूडेंट हम लोगों को कहा गया है कि एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू फोर एनएक्स एट वाई माइनस की जो कॉमन टेंजेंट है वो चार ऑप्शन से कौन से पॉइंट से पास होती है अगर मैं स्टूडेंट यहां पर दोनों सर्किल्स की रिलेटिव पोजिशन को जज करना चाहूँ देखिए पहले सर्किल का सेंटर है जीरो कॉमा जीरो और रेडियस है टू दूसरे सर्किल का सेंटर स्टूडेंट्स से है हम लोगों के पास में माइनस थ्री कॉमा माइनस फोर और रेडियस अगर हम देखते हैं तो नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर स्क्वायर रूट यानी कि सेवन अब यहां पर स्टोरेंट देखे कि सी वन और सी टू दोनों सर्किल्स के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू फाइव एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर टू माइनस आर वन नाउ यू नो इफ सी वन सी टू इक्वल्स टू मॉड्यूलर ऑफ आर वन माइनस आर टू देन बो सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली तो यहां भी स्टूडेंट्स दो, ये, ये दोनों सर्किल जो हैं, वो इस प्रकार से एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं इसलिए इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो इनके लिए रेडिकल एक्सिस का भी काम करेगी तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन को स्टूडेंट्स में रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन होती है यानी कि एस वन माइनस एस टू इक्वल्स टू जीरो आउट कर सकता हूं तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको सब करता हूं स्टूडेंट्स तो देखिए ये आएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई और माइनस फोर प्लस ट्वेंटी फोर तो प्लस में ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो इसे स्ट माइनस टू से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो देखिए थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो अब जो भी ऑप्शन इस स्टेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी आवर आंसर माइनस फोर कॉमा सिक्स को अगर हम यहां रखेंगे स्टूडेंट तो देखिए ये आएगा माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो माइनस ट्वेल्व माइनस टेन माइनस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी फोर तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा माइनस सिक्स कॉमा फोर यहां पर रखते हैं स्टूडेंट तो देखिए यह आएगा माइनस एटीन प्लस सिक्सटीन माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो विच इज अगेन रॉन्ग थर्ड पॉइंट को रखते हैं स्टूडेंट तो एटीन माइनस एट माइनस टेन इक्वल टू जीरो दिस इज ए करेक्ट थिंग तो इसका मतलब स्टूडेंट ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे क्वेश्चन का आंसर है सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को ये कहा गया है कि तीन सर्किल्स हैं जिनकी रेडियस ए बी एंड सी है विच टच अजर ईच अदर एक्सटर्नली एंड ऑल्सो दे टच एक्स एक्सिस एज वेल ओके तो स्टूडेंट देखिए कि यहां पर हम लोग किस तरह से देख सकते हैं कि लेटेस्ट से कि ये हम लोगों के पास में एक्स एक्सिस है उसके बाद में स्टूडेंट मान लीजिए कि ये हम लोगों के पास में इस तरह से एक सर्किल है फिर ये हम लोगों के पास में स्टूडेंट दूसरा सर्किल है और ये हमारे पास में स्टूडेंट तीसरा सर्किल है तो देखिए ये तीनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं साथ में ये तीनों के तीनों एक्स एक्सिस को भी टच कर रहे हैं देखिए कि लेटर्स है कि इनके सेंटर्स हैं P, Q और R. इनको कंफर्ट के लिए स्टूडेंट मैं S1, S2 और S3 थ्री सर्किल बोल देता हूं तो अब देखिए स्टूडेंट्स जैसे मैंने इनके सेंटर्स को मिलाया P और Q को मिलाया तो ये इस uh, S2 की रेडियस है B. और s1 की रेडियस है a तो pq लेंथ हमारे पास में हो जाती है a b अब स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पॉइंट q से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और पॉइंट a से भी x एक्सिस पर परपेंडिकुलर पर ड्रॉप करते हैं तो स्टूडेंट देखिए ये लेंथ हमारे पास में a होगी और इस पॉइंट से मैंने सामने वाली साइड uh, पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो देखिए स्टूडेंट ये लेंथ a है तो ये लेंथ भी a होगी और इसके अलावा ये जो टोटल लेंथ है, है हमारे पास में स्टूडेंट ये हमारे पास में बी के बराबर है देखिए मैं ये कह रहा हूं ये लेंथ बी है स्टूडेंट उसके अलावा ये लेंथ हम लोगों के पास में A है तो स्टूडेंट यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई ये हो गई बी माइनस ए अब स्टूडेंट ये जो राइट ट्राइंगल दिख रहा है इसमें ये लेंथ है बी माइनस ए और ये लेंथ है हमारे पास बी लटे कि हम लोगों के पास में ये जो पॉइंट है इसका नाम है हम लोगों के पास में आर तो ये जो ट्राइंगल हम लोगों को स्टूडेंट दिख रहा है पी क्यू आर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस पी आर लेंथ होल स्क्वायर तो यहां से देखिए स्टूडेंट हम लोगों के पास में पी आर लेंथ कितनी आएगी ये माइनस टू ए बी इधर आएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट होंगे तो लेफ्ट में हो गया फोर ए बी स्क्वायर रूट लेंगे तो टू रूट ए बी ये हम लोगों को स्टूडेंट पी आर लेंथ हम लोगों को मिलती है अब इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग आगे देखिए क्या लिख सकते हैं जैसे स्टूडेंट अगर मैं यही काम एस वन और एस थ्री सर्किल में करता तो देखिए हम लोगों ने आर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आर पॉइंट को पी से मिलाया और इससे इस, इस परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया लेटर्स है कि ये हमारे पास में पॉइंट है एस ठीक है तो पी एस लेंथ जो होगी विद द सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या मिलेगी स्टूडेंट हम लोगों को वो मिलेगी टू रूट ए सी और यही कॉन्सेप्ट अगर मैं स्टूडेंट एस टू और एस थ्री सर्किल में लगा देता हूं तो देखिए आर और क्यू को मिलाया और क्यू से फिर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मान लीजिए ये पॉइंट है स्टूडेंट टी तो देखिए क्यू टी जो होगी स्टूडेंट वो मैं बोल सकता हूं विद द सेम कॉन्सेप्ट टू रूट बी सी अब देखिए स्टूडेंट आप लोगों को एक चीज इसमें दिख रही होगी कि अगर मैं आरपी और पी एस लेंथ को ऐड कर दूं, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ ऐड कर दूं, तो क्यू टी लेंथ के बराबर आ जाएगी ये लेंथ और ये तीनों लेंथ हम लोगों को पता है पुटअप कर देते हैं आरपी लेंथ है इस हम लोगों के पास में टू रूट ए बी पी एस लेंथ है हम लोगों के पास में टू रूट ए सी और क्यू टी लेंथ है हमारे पास में टू रूट बी सी तो टू हमने कैंसिल किया अब इस पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट हम लोग रूट ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए हमें यहां मिलेगा वन वन रूट रूट सी प्लस बी इक्वल टू वन अपॉन रूट ए तो वन अपॉन रूट ए इक्वल्स टू वन अपॉन रूट बी प्लस वन अपॉन रूट सी तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट हम लोगों को दो सर्किल्स की इक्वेशन दी है और ये कहा है कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट तो अगर दो सर्किल एक दूसरे को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उन दोनों के रेडियस के डिफरेंस से तो बड़ी होगी और रेडियस के समेशन से छोटी होगी अब स्टूडेंट तो अगर हमें यहां पर दोनों सर्किल्स के सेंटर्स की बात करूँ तो देखिए पहले सर्किल का सेंटर है हमारे पास एट कॉमा टेन और रेडियस की बात करें तो 64 फोर प्लस हंड्रेड माइनस में वन इस फोर या सॉरी सिक्सटी फोर प्लस हंड्रेड माइनस वन प्लस आर स्क्वायर का रूट क्योंकि देखिए ये आर स्क्वायर लेफ्ट में जाएगा माइनस आर स्क्वायर तो ये हमारे पास में स्टूडेंट सिंपल सा हमें आर मिल जाएगा यानी पहले सर्किल की रेडियस स्मॉल आर है दूसरे सर्किल का सेंटर ऑलरेडी हम लोगों को पता है स्टूडेंट और इसकी जो रेडियस है वो हम लोगों के पास में है सिक्स तो अगर मैं स्टूडेंट सी वन और सी टू के बीच की डिस्टेंस निकालता हूं तो देखिए वो आएगी एट माइनस फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस टेन माइनस सेवन थ्री का स्क्वायर नाइन इसका रूट दिस बिकम्स रूट ओवर ट्वेंटी तो यहां पर स्टूडेंट हम लोग फाइव लिख देते हैं आर वन की जगह आर आ गया और सेकेंड सर्किल की रेडियस है हमारे पास सिक्स और ये हमारे पास में आ गया स्टूडेंट आर माइनस सिक्स इसका मॉडुलस इस इनिक्विटी को हम लोगों को सॉल्व करना है तो पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करें तो इस पार्ट के लिए स्टूडेंट लिख सकते हैं कि आर माइनस सिक्स माइनस फाइव से लेकर प्लस फाइव तक होगा और इस पार्ट से स्टूडेंट लिख सकते हैं कि आर इज ग्रेटर देन माइनस वन ये सिक्स माइनस फाइव वन लेस देन आर लेस देन इलेवन अब स्टूडेंट फाइनली हम लोग इन दोनों बातों को फॉलो करते हुए क्या बोल सकते हैं कि आर बिलोंग्स टू वन टू इलेवन ठीक है और ये हम लोगों को ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें हम लोगों को ये कहा है कि एक सर्किल है विच पास थ्रू फोर कॉमा जीरो एंड टचेस अनादर सर्किल एक्सटर्नली एट द पॉइंट वन कामा माइनस वन देन द रेडियस ऑफ द सर्किल तो स्ट्रेंड आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को जो सर्किल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो अगर इस सर्किल के स्टूडेंट में इस सर्किल के लिए अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूं एट पॉइंट वन कॉमा माइनस वन तो वो हो स्टूडेंट एक्स इंटू वन माइनस वाई प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री वाई माइनस वन माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो दैट इज थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट हमारा जो रिक्वायर्ड सर्किल है वो इस टेंजेंट को भी तो वन कॉमा माइनस वन पे टच करेगा क्योंकि मैंने अगर वो इस सर्किल को इस पॉइंट पे टच करता है तो इस सर्किल के इस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट को भी टच करेगा तो मैं अपना जो रिक्वायर्ड सर्किल है स्टूडेंट उसको सपोज कर सकता हूं x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन होल स्क्वायर प्लस लेमडा थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो अब लेमडा की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि हमें आ, कहा गया है कि ये सर्किल फोर कॉमा जीरो से भी पास होता है तो हम इसको फोर कॉमा जीरो से सेटिस्फाई कराकर लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो फोर माइनस वन थ्री का स्क्वायर नाइन जीरो प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस लेमडा ट्वेल्व माइनस सेवन इक्वल टू जीरो तो यहां से देखिए हमें लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी ये हो जाता है फाइव लेमडा इक्वल टू माइनस टेन तो लेमडा इक्वल्स टू माइनस टू अब इस अगर हम लोगों को अगर हम लोगों को लेमडा की वैल्यू मिल चुकी है माइनस टू तो ये थोड़ा सा हम लोगों के पास में गलती से डिलीट हो गया स्टूडेंट थोड़ा सा इसको हम लोग वापस लिख देते हैं यहां पे था स्टूडेंट हम लोगों के पास में x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो हम लोगों को था तो इसमें स्टूडेंट इस हम लोग लेमडा की वैल्यू को रख देते हैं तो देखिए हमें मिलेगा सर्किल की इक्वेशन x square minus two x plus one plus y square plus one plus two y minus me six x plus eight y plus fourteen equal to zero that is x square plus y square minus eight x plus ten y plus sixteen इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट इस, इस सर्किल का हमें रेडियस निकालनी है तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं R इक्वल्स टू सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू फाइव तो पहला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट हम लोगों को एक सर्किल दिया है और ये कहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इस सर्किल के अंदर बनाया गया है तब सी की वैल्यू हम लोगों को पूछी गई है तो देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से ये एक सर्किल है और इसके अंदर स्टूडेंट इस हम लोगों ने इस प्रकार से एक इक्विलेट्रल ट्राइंगल बनाया है ठीक है अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों के पास में इस सर्किल का जो सेंटर है वो है माइनस फाइव कॉमा माइनस सिक्स तो वो यहां पर कहीं है अगर मैं इसकी रेडियस के बारे में बात करूं तो ये होगी देखिए ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी सिक्स माइनस सी इसका स्क्वायर रूट रूट ओवर सिक्स माइनस सी अब देखिए कि इस पॉइंट से मैंने इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया सिंस इट वाज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये जो लाइन है स्टूडेंट ये हमारे पास में इस एंगल की बाई सेक्टर है तो ये एंगल थर्टी डिग्री है ये हमारे पास रेडियस के बराबर है ठीक है और अब हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग इस लेंथ एक्स को फाइंड आउट करने वाले हैं तो देखिए इसके लिए इस मैंने 30 डिग्री कैलकुलेट किया तो कॉस 30 डिग्री एक्स हाइपोटे 30 डिग्री की वैल्यू होती है आर हमारे पास में है रूट ओवर सिक्सटी वन माइनस सी तो यहां से स्टूडेंट एक्स हमें मिल जाता है थ्री टू सिक्सटी वन माइनस सी इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू ये हम लोगों को है. अब आप जानते हैं कि इक्विट्रल ट्रेड होता है रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड का होल स्क्वायर और ये हम लोगों को दिया हुआ है ट्वेंटी सेवन रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल किया ये हो गया वन बाई फोर साइड थी टू एक्स साइड का स्क्वायर हमें लिखना है तो साइड का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट थ्री इंटू सिक्स सी इक्वल टू वॉ टी सेवन तो यहां से यहां से स्टूडेंट सी की वैल्यू हम लोगों को मिलती है सिक्सटी वन माइनस थर्टी सिक्स तो सी स्टूडेंट हम लोगों को मिल जाता है ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्ट्रेंड इसमें हम लोगों को कहा है कि एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है एक सर्किल के अंदर और उसकी जो साइड्स है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर व्हिच इज नियरेस्ट टू द ओरिजन इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स में से जो भी ओरिजन के सबसे नजदीक है उसकी ओरिजन से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी ये हमसे स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा गया है तो देखिए स्टूडेंट्स कि इस प्रकार से ये हम लोगों के पास में एक सर्किल है और इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर एक इसके अंदर इस, आ, एक स्क्वायर बनाया है ठीक है अस से इट इज ए बी सी एन डी अब देखिए इस सर्किल का सेंटर ऑलरेडी हम लोगों को पता है दैट इज थ्री कॉमा माइनस फोर ये सर्किल का सेंटर है और रेडियस भी हम लोगों को इसकी पता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा ये स्टूडेंट इस, इस, इस सर्किल का सेंटर है और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों के पास थ्री कॉमा माइनस फोर स्टूडेंट देखिए चूंकि इस स्क्वायर की जो साइड्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आप ये सोचिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो एंगल बाई होते हैं वो होते हैं y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स जिनके स्लोप होते हैं प्लस वन एंड माइनस वन तो स्टूडेंट अगर ए बी बी सी सी डी और ए डी ये भी x और y एक्सिस के पैरेलल है तो इनके जो बाईसेक्टर्स होंगे यानी कि ए सी और बी डी यानी इस स्क्वायर के डायगोनल्स वो भी उनके भी स्लोप क्या होंगे प्लस वन और माइनस वन तो लेटर से ए सी का स्लोप प्लस वन है और बी डी का जो स्लोप है माइनस वन है तो अब हम करने क्या वाले हैं वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ ए सी एन बी डी इन पैरामेट्रिक पॉइंट इन फॉर्मेट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर एंड विल बी टेकन एज 45 डिग्री और 135 डिग्री 45 डिग्री फॉर ए सी एंड वन डिग्री फॉर बी डी तो ए सी की इक्वेशन लिखी पैरा फॉर्मेट में x माइनस थ्री अपॉन कॉस फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू वाई प्लस फोर अपॉन साइन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस देखिए स्टूडेंट अगर मैं यहां पर प्लस माइनस के आगे अगर मैं इस सर्किल की रेडियस के बराबर लेंथ लिख दूंगा तो मुझे यहां से कैलकुलेट करने पर ए और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और देखिए सर्किल की रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं स्टूडेंट अलग से तो सर्किल की रेडियस है स्टूडेंट्स नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस वन जीरो थ्री स्क्वायर रूट दैट इज रूट ओवर वन ट्वेंटी एट और इसको हम लोग लिख सकते हैं तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं, तो अब मेरे को यहां से जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे दे विल बी कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड सी वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू हम साइन फोर्टी फाइव और कॉस फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू रखेंगे वो रूट टू ऊपर जाके इस रूट टू से कैंसिल होगा तो स्टूडेंट एक्स माइनस थ्री आ जाए एक्स माइनस थ्रीवल टू वाई प्लस फोर इक्वल टू प्लस माइनस एट तो अगर हम प्लस साइन लेते हैं स्टूडेंट तो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे इलेवन कॉमा फोर और माइनस साइन लेने पे स्टूडेंट हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे माइनस फाइव कॉमा माइनस ट्वेल्व तो लेटेस्ट है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है तो दो पॉइंट के कॉर्डिनेट तो स्टूडेंट हम लोगों को इस तरह से मिल गए अब यहीं पर अगर मैं स्टूडेंट फोर्टी फाइव डिग्री की जगह वन थर्टी फाइव डिग्री लिख दूंगा तो मुझे B और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन यही कर लेते हैं तो कॉस 135 डिग्री वाई प्लस फोर अपॉन साइन वन थर्टी फाइव डिग्री तो इसमें स्टूडेंट देखिए फर्क कितना सा आएगा कि कॉस वन थर्टी फाइव डिग्री वैल्यू होती है माइनस वन तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई रूट टू तो नीचे माइनस वन है और ये हमारे पास में स्टूडेंट प्लस माइनस एट ही आएगा ठीक है तो ये कोऑर्डिनेट्स में एक बार यहां से लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा हमें एक आया है इलेवन कॉमा फोर फिर उसके बाद आया था स्टूडेंट हमारे पास में माइनस फाइव कॉमा माइनस ट्वेल्व ये था, A, ये था C. अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो हम लोगों को मिलेगा माइनस एट प्लस थ्री यानी माइनस फाइव कॉमा फोर ये बी है और माइनस साइन लेता हूं तो इलेवन कॉमा माइनस में ट्वेल्व ये मान लेता स्टूडेंट पॉइंट डी है तो अब देखिए स्टूडेंट मेरे को चारों पॉइंट्स जो कि चारों वर्टेक्स जो इस स्क्वायर के हैं उनके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं तो हमें स्टूडेंट ये पता करना है कि इस स्क्वायर का जो वर्टेक्स ओरिजिन से सबसे क्लोज है सबसे पास में है उसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस तो हम चारों पॉइंट्स की स्टूडेंट ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के देख सकते हैं वैसे हम लोगों को ओरल भी अंदाजा होगा स्टूडेंट जैसे इस पॉइंट की अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट तो वो होगी 25 प्लस 49 25 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 25 प्लस 16 का स्क्वायर रूट और ये स्टूडेंट हम लोगों के पास में होने वाला है रूट ओवर √41

दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है तो स्टूडेंट देखिए मान लीजिए कि इस प्रकार से ये दो हमारे पास में सर्किल हैं S1 वन और S2 टू और ये दोनों एक दूसरे को 0.1 और 0.-1 पर कट करते हैं अगली बात हम लोगों को ये कह रखे स्टूडेंट की एक सर्किल की खींची गई टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास होती है जैसे इस पॉइंट पर स्टूडेंट मैंने S2 की टेंजेंट खींच दी तो वो S1 के सेंटर से पास होती है मान लीजिए ये S1 का सेंटर है C1 वन तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में कि इस पॉइंट से अब मैं दूसरी टेंजन खींचूंगा S1 के लिए तो वो S2 के सेंटर से पास होगी तो यहां पर हमारे पास में सेकंड सर्किल का सेंटर है और इन दोनों को इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया अब देखिए इन दोनों सर्किल की रेडियस जो थी वो हमारे पास में इक्वल थी अब निश्चित रूप से मैं क्या कह सकता हूं कि चूंकि दोनों सर्किल की टेंजेंट एक दूसरे के सेंटर से पास हो रही है दैट मीन कि ये जो एंगल है हम लोगों के पास में ये हमारे पास में कितना है स्टूडेंट ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है अब देखिए स्टूडेंट लेटस है कि हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो जीरो को वन और जीरो कोमा माइनस वन के बीच की डिस्टेंस आप जानते हैं स्टूडेंट की टू है तो इतनी डिस्टेंस जो है ये जो डिस्टेंस हमारे पास लेट अस से कि ये पॉइंट ए है स्टूडेंट ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है तो जो ए सी डिस्टेंस है स्टूडेंट ये हम लोगों के पास में कितनी है वन है अब देखिए स्टूडेंट कि अगर हम ट्राइंगल ए सी वन सी टू को देखें तो ये नाइन्टी डिग्री है और ये और ये लेंथ ए सी वन और ए सी टू लेंथ इक्वल है तो स्टूडेंट ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये एंगल कितना होगा हमारे पास में अगर दोनों इक्वल हैं तो फोर्टी फाइव डिग्री तो अगर मैं स्टूडेंट ट्राइंगल ए सी सी टू में इस वाले एंगल को 45 डिग्री लेकर के चलता हूं और इसमें मैं टेन 45 डिग्री कैलकुलेट करूं तो देखिए टेन 45 डिग्री होगा स्टूडेंट्स में ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि सी सी टू टेन 45 डिग्री स्टूडेंट वन हो गया ए सी लेंथ वन है तो यहां से हमें हमें यह पता लगा स्टूडेंट कि सी और सी टू के बीच की डिस्टेंस वन है इसका मतलब स्टूडेंट C और C1 के बीच की डिस्टेंस भी वन होगी यानी C1 C2 डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट वन प्लस वन दैट इज टू तो और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था तो सेकंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए इसमें हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है और कहा है कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पे कट करती है ए बी और ओरिजिन से जाने वाला एक सर्किल हम लोगों ने बनाया है डिकुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम ए एंड बी ऑन देंजेंट टू द सर्किल एट ओरिजन यानी कि इस सर्किल में अगर मैं ओरिजन पर टेंजेंट खींचता हूं और उस टेंजेंट पर ए और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो उन दोनों की लेंथ का समेशन कितना होगा दैट इज बिन दैट हैज बिन आज तो देखिए सबसे पहली बात तो यह समझिए कि देखिये इस तरह से हम लोगों के पास में एक सर्किल है या ये लाइन है जो कि ए और बी पॉइंट पर कट करती है देखिए ए क्या होगा वाई को जीरो करेंगे तो ए आया वन एक्स आया वन और एक्स को जीरो करेंगे वाई आएगा वन बाई टू तो बी पॉइंट है जीरो क्योंकि एंगल aob बी हमारे पास 90 डिग्री है तो इस सर्किल की इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ वाई इक्वल टू जीरो सर्किल की इक्वेशन आ गई अब इस इसमें हम लोगों को ओरिजन से जाने वाली जो टेंजेंट है यानी कि ये वाली जो लाइन है जो ओरिजन पर खींची गई टेंजेंट है उसकी इक्वेशन को निकालना है तो उसकी इक्वेशन को देखिए इस हम लोग किस तरह से इजीली निकाल सकते हैं टेंजेंट एट ओरिजन एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू जीरो वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू जीरो पर स्टूडेंट मैंने 2 से डिवाइड किया फिर बचा टू एक्स उसकी जगह एक्स प्लस जीरो आया टू वाई की जगह वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो स्टूडेंट हम लोगों के पास में हो गया टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो ओरिजन पर जो टेंजेंट खींची है उसकी इक्वेशन हमको मिल चुकी है अब देखिए स्टूडेंट ए और बी पॉइंट से मुझे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और दोनों लेंथ का सम हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए रिक्वायर्ड सम ए पॉइंट है स्टूडेंट 1,0 उससे मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो देखिए उसकी लेंथ होगी स्टूडेंट 2+1 3 अप/√5 फिर स्टूडेंट मैंने 0,1/2 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो 0+1/2 अप/√5 ये हमारा रिक्वायर्ड सम होगा ये हो गया स्टूडेंट थ्री बाई रूट फाइव प्लस वन बाई टू रूट फाइव टू रूट फाइव हम लोगों ने एलसीएम लिया तो ये हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में सिक्स प्लस वन यानी सेवन अपॉन टू रूट फाइव तो कोई कैलकुलेशन एरर हम लोगों ने किया है स्टूडेंट उसको एक बार जज कर लेते हैं कि क्या कैलकुलेशन एरर हम लोगों से हो रही है देखिए टेंजेंट की जब इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है स्टूडेंट तो x की जगह जीरो वाई की जगह जीरो माइनस वन बाई फोर टू वाई वाई प्लस जीरो माइनस फोर से इसको स्टूडेंट हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टू एक्स और ये हो गया हम लोगों के पास में प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो है? तो की इक्वेशन तो ठीक है वन कॉमा जीरो से इस परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हाँ देखिए यहां गलती हुई है स्टूडेंट अगर वन कॉमा जीरो से इसकी लेंथ निकालूंगा तो टू इंटू वन दैट इज यहां पर स्टूडेंट हम लोगों को मिलना मिलेगा टू बाई रूट ओवर फाइव प्लस वन बाई टू रूट फाइव तो ये हो गया स्टूडेंट हम लोगों के पास में ये भी टू रूट टू अपॉन रूट फाइव है तो ये हुआ फोर प्लस वन यानी कि फोर प्लस वन यानी फाइव अपॉन रूट फाइव यानी कि रूट फाइव अपॉन टू और ये स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन में दिया है तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर में हम लोगों को स्टूडेंट देखिए कि दो सर्किल्स दिए गए हैं और दोनों के सेंटर्स को सी वन और सी टू बोला गया है इसके बाद में स्टूडेंट देखिए कि ये बोला गया है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को पी और क्यू पॉइंट पर कट करते हैं तो जो क्वारिलेटरल पी C1, Q, C2 बन रहा है हमें उसका एरिया निकालना है ठीक है इस तरह की बात हम लोगों को कह रखी है तो देखिए सी वन क्या है वो है 1, 1। पहले सर्किल की रेडियस देखें तो वन प्लस वन प्लस टू इसका स्क्वायर रूट तो ये आ जाता है स्टूडेंट हम लोगों के पास में टू दूसरे सर्किल का सेंटर स्टूडेंट थ्री कॉमा थ्री और इसकी रेडियस देखेंगे स्टूडेंट नाइन तो प्लस नाइन माइनस फोर्टीन का स्क्वायर रूट दैट इज अगेन टू ठीक है दोनों सर्किल की रेडियस दोनों सर्किल के सेंटर हम लोगों ने निकाल लिए अब देखे कि इस प्रकार से है ये दोनों सर्किल इस प्रकार से है दोनों सर्किल के ये सेंटर हो गए C1 और C2 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए P और Q अब देखिए स्टूडेंट ये लेंथ है हमारे पास में 2 ये लेंथ भी है ये हमारे पास में देखिए यहां पर मैं दोनों सर्किल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी निकाल रहा हूं तो ये आएगी स्टूडेंट थ्री माइनस वन टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री माइनस वन टू का स्क्वायर फोर इसका रूट यानी कि टू रूट टू तो ये स्टूडेंट टू रूट टू आ रही है अब आप ध्यान से सोचिए स्टूडेंट आप देखिए स्टूडेंट कि ये जो ट्राइंगल है पी सी वन सी टू यह तो पाइथोग को फॉलो कर रहा है अगर मैं टू रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो एट आएगा और इन दोनों की स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो भी फोर प्लस ऐसा यहां पर हो रहा है तो अगर स्टूडेंट ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये एंगल हमारे पास में नाइनटी डिग्री है तो अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे बोलता कि ट्राइंगल पी सी वन सी टू का जो एरिया है वो कितना होगा तो वो हो जाएगा स्टूडेंट वन अपॉइंट टू इन टू टू इन टू टू यानी कि टू और बिल्कुल इसी प्रकार से स्टूडेंट क्यू सी वन सी टू जो है ट्राइंगल क्यू सी वन सी टू उसका एरिया भी टू होगा तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्वाड्रिलेटरल पी सी वन क्यू सी टू का एरिया क्या होगा दैट विल बी टू प्लस टू यानी कि फोर तो हमारे क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा फोर फोर स्क्वायर यूनिट्स विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर फोर्थ अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टेंथ एक वेरिएबल लाइन दी गई है इस लाइन के अपोजिट तरफ लाई करते हैं तब हम लोगों को स्टूडेंट की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो पूछी गई है ये यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा छूटा हुआ है यहां पर हमसे लेमडा की वैल्यू पूछी जा रही है तो स्टूडेंट आप ये देखिए पहले तो हम दोनों सर्किल के सेंटर निकालते हैं पहले सर्किल का सेंटर है हम लोगों के पास में वन वन और पहले सर्किल की रेडियस है वन प्लस वन माइनस वन इसका रूट यानी कि वन दूसरे सर्किल का सेंटर है स्टूडेंट हम लोगों के पास में नाइन कॉमा वन रेडियस की बात करें तो एट्टी वन प्लस वन माइनस सेवनटी एट इसका स्क्वायर रूट यानी कि टू अब देखिए स्टूडेंट इस बात को समझते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये वो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट जिसकी इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस लेव इक्वल टू जीरो अब स्ट्रेंड देखिए मान लीजिए ये सर्किल हमारे पास में इस तरह से है ये पहला सर्किल और ये दूसरा सर्किल ये दोनों सर्किल इस तरह से यहां पर एक दूसरे के अपोजिट तरफ लाई कर रहे हैं ये सर्किल स्टूडेंट इस लाइन को टच करते हुए भी लाई कर सकते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट अगर ये दोनों सर्किल इस लाइन के अपोजिट तरफ लाई कर रहे हैं तो हमें दो चीजें यहां पर अप्लाई करनी होगी पहली तो स्टूडेंट ये होगा कि ये जो पहले सर्किल का सेंटर है दैट इज C1 1.1, वन एंड दूसरे सर्किल का सेंटर है C2, ये दोनों इस लाइन के अपोजिट तरफ होने चाहिए तो मैं C1 और C2 के कोऑर्डिनेट्स इसमें रख के मल्टीप्लाई करूंगा तो वी विल गेट ए नेगेटिव नंबर एक तो चीज मैं ये अप्लाई करूंगा दूसरी चीज मैं क्या करूंगा अप्लाई स्टूडेंट कि सी पॉइंट की इस स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो निश्चित रूप से स्टूडेंट रेडियस से बड़ी या बराबर होगी देखिए आप इसको समझिए कि ये लेंथ लेंथ इतनी स्टूडेंट हमारे पास में रेडियस है तो C1 की इससे जो डिस्टेंस होगी वो तो रेडियस से बड़ी होगी ऐसे सी टू की स्टूडेंट इस स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है वो इस एस की जो रेडियस है आर उससे बड़ी होनी चाहिए तो ये तीन चीजें हम लोग स्टूडेंट अप्लाई करके आर की वैल्यू कहां से लेमडा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है ये जज करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो देखिए सबसे पहली बात ये जो थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो मिलेगा थ्री प्लस फोर माइनस लेमडा फिर मैंने इसमें, इसमें, इसमें 9, 1 रखे, तो नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस फोर इंटू वन माइनस लेमडा एंड दिस शुड बी नेगेटिव तो ये हुआ स्टूडेंट सेवन माइनस लेमडा इंटू थर्टी वन माइनस लेमडा

तो यहां से देखिए इसको मैं लिख सकता हूं कि लेमडा माइनस सेवन का जो मॉड्यूल है that is greater than equal to 7, या तो माइनस इन्फिनेटिव से माइनस फाइव तक हो सकता है या फाइव से इन्फिनेटिव तक हो सकता है यानी स्टूडेंट यहां से पता लग रहा है कि लेमडा जो है वो माइनस इन्फिनेटिव सेवन माइनस फाइव यानी टू तक हो सकता है सेवन प्लस फाइव यानी ट्वेल्व से इन्फिनेटिव तक हो सकता है ये हमें सी, uh, S2 का जो डिस्टेंस है, है वो आर टू से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए तो सी टू है नाइन कॉमा वन नाइन कॉमा वन की डिस्टेंस निकालते हैं तो नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस फोर इंटू वन माइनस लेमडा अपॉन फाइव ये ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस ऑफ एस टू होना चाहिए विच इज टू तो यहां से स्टूडेंट देखिए हम लोगों को मिल रहा है मॉड्यूलस इज ग्रेटर टू टेन दैट इज लेमडा माइनस थर्टी वन बिलोंग टू माइनस इंफिनेटिव टू माइनस टेन यूनियन अब देखिए ये तीनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए तो हम इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा तो इन तीनों कंडीशन का स्टूडेंट हम लोग अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो देखिए हम लोगों को कहां से कहां तक के नंबर मिलेंगे स्टूडेंट Uh, तो सेवन से स्टार्ट सेवन ट्वेल्व तो स्टूडेंट देखिए ट्वेल्व से लेकर के और ट्वेंटी वन तक के जो नंबर हैं वो हमको सभी जगह में मिल रहा है तो ये हमारा इंटरसेक्शन हुआ और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा ट्वेल्थ टू ट्वेंटी वन दैट इज ऑप्शन नंबर टू अब देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11th में स्टूडेंट देखिए हमें ये कहा है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस r है और वो ओरिजन से पास होता है x और y एक्सिस को ये रेस्पेक्टिवली a और b पॉइंट पे कट करता है तो ओरिजन से ab पर डाले गए परपेंडिकुलर के फुट का लोकस हमें निकालना है तो देखिए स्टूडेंट कि मान लीजिए इस तरह से हम लोगों के पास में वो सर्कल है ये ओरिजिन से पास होता है x और y एक्सिस को a और b पॉइंट पे कट करता है मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जीरो ए बी जो है वो इस सर्किल के लिए डायमीटर का, का काम करेगी क्योंकि एंगल ए ओ बी नाइन्टी डिग्री है तो ए बी डायमीटर का, का काम करेगी इसका मतलब ये लेंथ होनी चाहिए टू आर के इक्वल यानी यहां से स्टूडेंट आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर आर स्क्वायर ये ए और बी में हमें एक रिलेशन मिल गया अब स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि ओरिजन से मैंने यहां का लोकस हमें आउट करना है। तो पी पॉइंट के लोकस को निकालने के लिए तो सपोज कर लिया एच कॉमा के अब देखे ए बी का स्लोप मैं निकाल लेता हूं और ओपी का स्लोप मैं निकाल लेता हूं उनका प्रोडक्ट माइनस वन होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो ओपी का स्लोप क्या होगा स्टूडेंट के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो यानी के अपॉन एच और ए बी का स्लोप होगा माइनस जीरो जीरो माइनस माइनस ए यानी बी अपॉन ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है माइनस वन तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को एक रिलेशन मिल गया कि के अपॉन एच इक्वल टू ए अपॉन बी ठीक है एक रिलेशन हमें ये मिला और अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों को एक और रिलेशन मिल सकता है अगर मैं आपको कहूं कि ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी तो वो होगी अपॉन बी इक्वल टू वन और पी पॉइंट इसी लाइन पर है तो पी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो एच अपॉन ए प्लस के अपॉन बी इक्वल्स टू वन ये हम लोगों को मिलता है अब देखिये हम लोगों के पास में एक रिलेशन ये है एक रिलेशन ये है और एक हमारे पास में रिलेशन ये है इन सब से हम लोग कोशिश करेंगे ए और बी को इलिमिनेट करने की क्योंकि ए और बी हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया तो ए और बी को हमें इलिमिनेट करना है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट कि मैं यहां से ए की वैल्यू ले रहा हूं बी इन टू के अपॉन एच और उसको यहां रख रहा हूं तो ये हो गया एच अपॉन के ए प्लस के अपॉन बी हो गया स्टूडेंट बी की वैल्यू हो गई ए एच अपॉन के ए एच अपॉन के तो के ऊपर चला के स्क्वायर हो गया इक्वल टू वन यहां स्टूडेंट हम लोगों ने एच AH एलसीएम लिया तो देखिए ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू वन यानी कि ए की, की वैल्यू आ गई स्टूडेंट यहां पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच ये स्टूडेंट हम लोगों को ए की वैल्यू मिल चुकी है तो अब देखिए मैं बी के बारे में क्या बोल सकता हूं स्वरण बी हमारे पास में था ए एच अपॉन के तो ये हो गया स्वर्ण एच अपॉन के और इसमें मैंने ए की वैल्यू को रख दिया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच तो ये एच और ये एच कैंसिल हुआ तो ये आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के ये स्वर्ण हम लोगों को बी की वैल्यू मिली अब स्टूडेंट ये जो ए और बी की वैल्यू हमें मिली है इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर रहे हैं तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर तो यहां स्टूडेंट हम लोगों ने एच स्क्वायर के स्क्वायर एलसीय लिया तो देखिए स्टूडेंट पहले ही एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया यहां बचेगा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो ये अल्टीमेटली स्टूडेंट एच का होल क्यूब हो गया अब लोकस के लिए हम एच की जगह एक्स के जगह वाई रखेंगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू फोर आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो देखिए ये हम लोगों को मिल रहा है ऑपशन नंबर फोर्थ में फोर्थ हमारा आंसर हो गया अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन दिस सर्किल बाय दिस लाइन यानी स्टूडेंट ये जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एक्स प्लस वाईक्वल टू नाइन एक्स प्लस वाईक्वल टू एन ये इसकी कोई कॉर्ड है जहां पर एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है तो इस कॉर्ड की जो लेंथ है मान लीजिए मैं इसको ए बी मान लेता हूं तो एन की अलग अलग वैल्यू के लिए ए बी की अलग अलग लेंथ होगी तो यह स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा है यहां पर कि एन की जितनी भी वैल्यू यहां पर पॉसिबल है जिससे कि कॉर्ड हमारे पास में ये जो रियल कॉर्ड है वो बने तो उन सब कॉर्ड की लेंथ के स्क्वायर का सम हमें फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट देखिए हम

तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे सिक्सटीन माइनस एन स्क्वायर बाई टू यानी थर्टी टू माइनस एन स्क्वायर अपॉन टू इसका स्क्वायर रूट ये स्टूडेंट हमें एपी लेंथ मिली अब अगर मैं कॉर्ड की लेंथ की बात करूं स्टूडेंट तो कॉर्ड की लेंथ होगी एबी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एपी तो इसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आएगा रूट टू इन टू रूट टू इंटू थर्टी टू माइनस एन स्क्वायर का रूट ये हम लोगों को कॉर्ड की लेंथ मिली फॉर एन अब स्टूडेंट आप खुद सोचिए कि एन में एन को मैं यहां पे क्या क्या रख सकता हूं जिससे कि ये रियल कॉर्ड बने अगर मैं एन को यहां वन रखूंगा तब भी रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा टू रखें थ्री रखें फोर रखें फाइव रखें फाइव रखे, रखने तक भी ये स्टूडेंट रूट के अंदर पॉजिटिव है लेकिन जैसे ही मैं स्टूडेंट एन को सिक्स या उससे ऊपर रखूंगा तो देखिए रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं तो हमें यहां पर एन को स्टूडेंट वन टू थ्री फोर और फाइव रख सकते हैं और आप देखिए ए बी की लेंथ का स्क्वायर क्या है वो है स्टूडेंट स्क्वायर यही है तो अब स्टूडेंट इस मैं इसमें एन को वन से लेके फाइव तक रखूंगा और जितनी भी लेंथ आएगी उनको मैं जोड़ दूंगा तो आप ध्यान से समझिएगा कि वो सब मैं कैसे निकाल रहा हूं एन को मैं इसमें वन टू थ्री फोर रखता जा रहा हूं अब देखिए स्टूडेंट टू तो सब में आएगा तो टू तो कॉमन फिर एन 32, 32 स्क्वायर तो तो का फॉर्मुले में एन को मैं फाइव रख देता हूं तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स और ये कैलकुलेशन करने पे स्टूडेंट हमें आंसर मिलेगा तो ये हो गया देखिए टू और ये हो गया वन सिक्सटी माइनस फिफ्टी फाइव यानी कि वन जीरो मल्टीप्लाई करने पर आया टू हंड्रेड टेन और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर थर्टींथ में स्टूडेंट देखिए हमें ये कहा है कि सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर के पॉइंट रूट थ्री कॉमा वन पर खींची गई टेंजेंट और नॉर्मल और साथ में एक्स एक्सिस ये तीनों मिलकर के एक ट्रैंगल बनाते हैं हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो पहले स्टूडेंट हम लोग रूट थ्री कॉमा वन पर खींची गई टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं तो इक्वेशन तो होगी एक्स इंटू रूट थ्री प्लस वाई इंटू वन इक्वल्स टू फोर यह हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन हुई अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं स्ट्रेंड तो देखिये नॉर्मल की इक्वेशन होगी हमारे पास में एक्स माइनस में रूट थ्री वाई इक्वल टू लेमडा ये मैंने नॉर्मल की इक्वेशन को सपोज किया अब स्टूडेंट रूट थ्री कॉमा वन इस नॉर्मल पर स्थित है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो इस कॉन्सेप्ट से मैं लेमडा को फाइंड आउट कर लूंगा तो देखिए रूट थ्री कॉमा वन से इसको सेटिस्फाई किया तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री इक्वल टू लेमडा दैट इज लेमडा इक्वल्स टू जीरो नॉर्मल की इक्वेशन हो गई अल्टीमेटली एक्स माइनस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन हुई ये नॉर्मल की इक्वेशन हुई और तीसरा है हमारे पास में एक्स एक्सिस तो ये है स्टूडेंट टेंजेंट रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर यह है हमारे पास नॉर्मल अब देखिए टेंजेंट और नॉर्मल है तो निश्चित रूप से इनके बीच का एंगल कितना है नाइनटी डिग्री है अगर इसको यूज कर पाएंगे तो देखेंगे हम लोग और ये स्टूडेंट हमारे पास में है एक्स एक्सिस यानी कि बीसी लाइन की इक्वेशन है y तीनों साइड की इक्वेशन हमारे पास है नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग स्टूडेंट क्या करने ये वाले हैं कि हम तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आते ही हम लोग एरिया निकालना जानते हैं तो पहले हम लोग सी निकालते, तो निकालते हैं तो वाई को यहां जीरो रखा तो एक्स भी जीरो आ गया तो ये जीरो कॉमा जीरो है इसमें वाई को जीरो रखेंगे तो एक्स आएगा स्टूडेंट तो फोर बाई रूट थ्री तो ये पॉइंट है फोर बाई रूट थ्री कॉमा जीरो और टेंट एन नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम जानते हैं स्टूडेंट की रूट थ्री कॉमा वन है देखिए ये तीनों पॉइंट आ चुके हैं अब एरिया के लिए हम लोग स्टेयर्स फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट तो एरिया होगा वन अपॉन टू जीरो जीरो रूट थ्री वन फोर बाई रूट थ्री जीरो और जीरो जीरो वन बाई टू फिर ये जीरो 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 ये आएगा स्टूडेंट माइनस में फोर बाय रूट थ्री और एरिया की वजह से हमें पॉजिटिव साइन लगाना है तो यह हो गया स्टूडेंट टू बाई रूट थ्री अल्टीमेटली कह सकते हैं कि ट्राइंगल का एरिया होगा टू बाई थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टींथ देखते हैं स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में मैं कहा है कि इफ ए टेंजेंट टू दिस सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इंटरसेक्ट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू देन द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ पी क्यू तो स्टूडेंट देखिए हम लोग ये जो टेंजेंट है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन की है हम जानते हैं दिस लाइन इज ऑलवेज ए टेंजेंट टू दिस सर्किल नाउ ये पी और क्यू पॉइंट पे कट करती है तो पी पॉइंट निकालने के लिए वाई को जीरो रखा वाई को जीरो रखा स्टूडेंट एक्स तो आ गया हमारे पास में वन अपॉन

ये स्टूडेंट हमारे पास में आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए, अब इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करेंगे वन अपॉन थीटा यहां से वैल्यू आती है वन अपॉन टू एक्स और यहां से साइन थीटा की वैल्यू आती है वन अपॉन टू वाई नाउ विंदो की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटाक्वल्स टू वन तो वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन दैट इज एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं स्वर्ण हम लोग तो यहां पर देखिए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यह स्वर्ण आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए स्वर्ण क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में कहा है कि लाइन एक्स इक्वल टू वाई टर्किल एट दन कोमा वन इफ दर्किल ऑल्सोन माइनस थ्री देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करने वाले हैं कि सर्किल एट द पॉइंट वन 1, वन जैसे ये वो सर्किल है स्टूडेंट और ये वन कॉमा वन पॉइंट है और ये लाइन है एक्स इक्वल टू वाई तो ये लाइन इस सर्किल को वन कॉमा वन पॉइंट पे टच करती है और ये जो सर्किल है ये कॉमा माइनस थ्री पॉइंट से भी पास होता है तब स्टूडेंट हम लोगों को इस सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करनी है यह हमारा क्वेश्चन है तो अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स कि यह जो सर्किल है एस मैं इसकी इक्वेशन को सपोज कर लेता हूं एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो और वन कॉमा माइनस थ्री से ये पास होता है तो वन कोमा माइनस थ्री कराऊंगा की वैल्यू मिलेगी तो ये हो गया देखिए फोर इक्वल टू जीरो हमने वन माइनस थ्री से इसको सेटिस्फाई थोड़ा कराने में गलती कर दिया वापस से कर लेता है इस पोर्शन को वन माइनस वन जीरो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर स्क्वायर सिक्सटीन प्लस लैमडा वन प्लस थ्री फोर इक्वल्स टू जीरो माइनस फोर रख देता हूं स्टूडेंट तो देखिये ऐसा गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई माइनस फोर एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में सिक्स एक्स माइनस माइनस प्लस टू वाई वन वन टू इक्वल्स टू जीरो ये इस सर्किल की इक्वेशन हुई नाउ रेडियस निकालना बहुत इजी काम हो होगा स्टूडेंट देखिए रेडियस होगा हमारे पास में नाइन प्लस वन माइनस टू स्क्वायर रूट तो टेन माइनस टू स्क्वायर रूट दैट इज रूट टू रूट टू ये इसकी रेडियस हुई फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में देखिए स्टूडेंट हम लोगों को दो सर्किल की इक्वेशन दी है और कहा है कि ये दोनों सर्किल पी और क्यू पॉइंट पे कट करते हैं और पी और क्यू पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन ये देखी इसका मतलब ये पी क्यू की इक्वेशन है तो हम करने क्या वाले हैं स्टूडेंट देखिए पहले एस वन की को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस टू वाई प्लस के इक्वल टू जीरो इसे टू से डिवाइड कर देता हूं मैं एस टू की इक्वेशन के लिए वो है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री वाई बाई टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट अगर मैं रेडिकल एक्सिस एस वन और एस टू की निकाल लू दैट विल बी सिमिलर टू पी क्यू और रेडिकल एक्सिस हम लोग कैसे निकालेंगे एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से तो ये आएगा स्टूडेंट फोर के एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री वाई बाई टू यानी कि वाई बाई टू प्लस के प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो एट के एक्स प्लस वाई प्लस टू के प्लस वन इक्वल टू जीरो पी क्यू की इक्वेशन हुई लेकिन पी क्यू की एक इक्वेशन स्टोन देखिए आपको ये भी दे रखी है तो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन सेम इक्वेशन को सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं तो इस अगर हम लोग इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा एट के अपॉन फोर इक्वल टू वन अपॉन फाइव इक्वल टू टू के प्लस वन अपॉन माइनस के अब इस यहां से अगर मैं के निकालूंगा तो वो आएगा हम लोगों के पास में वन बाई टेन और अगर मैं यहां से के निकालना चाहूं तो देखिये वह आएगा माइनस के इक्वल टू टेन के 5, तो इलेवन के इक्वल टू माइनस फाइव तो के आएगा यहां से स्टूडेंट हम लोगों के पास में माइनस फाइव बाई इलेवन तो देखिए दोनों जगह से स्टूडेंट के की वैल्यू हमें अलग अलग मिल रही है जबकि दोनों जगह से के की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए थी इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि यह दोनों लाइन सेम स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकती दैट इज कि यह पॉसिबल ही नहीं है के किसी भी वैल्यू पर गिवन फैक्ट पॉसिबल नहीं है सो वी विल टेक ऑप्शन नंबर फोर्थ दैट इज नो वैल्यू ऑफ के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर को देखिए 17 में हम लोगों को यह कहा है कि हमें एक ऐसे सर्किल के सेंटर्स का लोकस निकालना है विच टच दिस सर्किल एक्सटर्नली ऑल्सो टच वाई एक्सिस एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए वाई एक्सिस को टच करना चाहिए और इस सर्किल को एक्सटर्नली टच करना चाहिए तो देखिए स्टूडेंट ये तो गिवन सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन अब वाई एक्सिस को टच करना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसको भी टच करना चाहिए तो जैसे स्टूडेंट देखिए जो हमारा ये वाला सर्किल है ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है इस सर्किल को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसके सेंटर का हमें लोकस निकालना है तो इसका सेंटर स्टूडेंट मैंने मान लिया एच कौमा अब देखिए स्टूडेंट इस सेंटर की वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी यानी एच और एच अब इसके रेडियस का भी काम कर रहा है अब स्टूडेंट दो सर्किल अगर टच करते हैं एक्सटर्नली तो हम जानते हैं कि सी वन सी टू इक्वल्स टू आर वन प्लस है जीरो जीरो तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये हम निकालेंगे तो यह आएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट और पहले सर्किल की रेडियस है एच और दूसरे सर्किल की रेडियस है स्टूडेंट वन ठीक है अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी ये एच स्क्वायर यह एच स्क्वायर कैंसिल हो गया स्टूडेंट अब देखिए वाई स्क्वायर लोकस के लिए हमने के को वाई एच को एक्स रखा और स्टूडेंट मैं यहां पे रूट ले सकता हूं देखिए यहां पर स्टूडेंट एक रूट यह आता एक रूट यह आता लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि हमें क्लियरली क्वेश्चन में कह रखा है कि फर्स्ट क्वार में होना चाहिए तो इसको रिजेक्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट रूट ओवर टू एक्स प्लस वन और यहां भी मैं बोल सकता हूं कि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे बीइंग इन फर्स्ट क्वारंट तो स्ट्रेंड वाईक्वल टू रूट ओवर टू एक्स प्लस इक्वल टू जीरो जो पहल सेकंड ऑप्शन है ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एटीन में हम लोगों को ये कहा है कि दो सर्किल है जिनकी रेडियस फाइव एंड ट्वेल्व है दे डिग्री तो और दूसरा सर्किल हमारे पास ये है कट ये है। ये करते हैं 90 डिग्री पर इसका मतलब ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो सेंटर से से पास होगी एक की रेडियस है स्टूडेंट ट्वेल्व और एक की रेडियस है फाइव अब देखिए कि ये भी बता रखा है कि ये एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री लेट से कि ये पॉइंट हमारे पास P है ये पॉइंट हमारे पास Q है और ये हमारे पास 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से स्टूडेंट ये वाली लेंथ C1 C2 लेंथ कितनी आएगी 13 अब लेटस से कि ये एंगल स्टूडेंट हमारे पास में थीटा है और मैंने P पॉइंट से C1 C2 पे परपेंडिकुलर डाल दिया और मान लिया ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये हमारे पास R है ऐसा भी मैंने मान लिया अब देखिए स्टूडेंट कि अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं तो एक बार तो मैं ले रहा हूं ट्राइंगल पी सीवन सी टू यह राइट ट्राइंगल है ट्राइंगल पी सीवन सी टू यह एक राइट ट्राइंगल है इसमें साइन थीटा निकालता हूं तो इट विल बी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेनस 13 और दूसरी बार student, मैं ले रहा हूं 5. तो यहां से स्टूडेंट देखिए मुझे पी आर लेंथ मिलती है सिक्सटी अपॉन थर्टीन और हम लोग स्टूडेंट यहां पे कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालना चाहते थे कॉमन कॉर्ड का मतलब है पी क्यू ये टू टाइम्स ऑफ पी आर है तो इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा वन ट्वेंटी अपॉन थर्टीन तो ये हमारे पास में थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसमें हम लोगों को एक सर्किल दिया है जो कि एक्स एक्सिस को थ्री कोमा जीरो पे टच करता है और वाई एक्सिस पे एट लेंथ का इंटरसेप्ट कट करता है तो ये सर्किल कौन से पॉइंट से पास होगा ये हम लोगों से पूछा गया है तो घोषणा आप देखिएगा इस क्वेश्चन को हम ज्योमेट्रिकली ही कर लेंगे सर्किल जो है 3,0 पे x एक्सिस को टच कर रहा है और y एक्सिस पर 8 लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो स्टूडेंट देखिए इस सर्किल की एक पॉसिबल पोजीशन ये है थोड़ा सा गलत बना दिया हमने हमने x एक्सिस को कट करवा दिया सही करता है देखिए स्टूडेंट हम लोगों के पास में इस तरह की पोजीशन एक तो पॉसिबल है

तो पाइथागोरस से कह सकता हूं स्टूडेंट कि लेंथ हमारे पास फाइव तो सर्किल के सेंटर के कॉर्डिनेट क्या हो गए थ्री कॉमा फाइव और जस्ट यहां पर जो पॉइंट होगा स्टूडेंट उसके कॉर्डिनेट क्या होंगे थ्री कॉमा टू क्योंकि इसमें फाइव एड होगा बस तो इसका मतलब थ्री कॉमा टेन एक ऐसा पॉइंट होगा स्टूडेंट जो कि सर्किल पर लाई करता है और थ्री कॉमा टेन देखिए ऑप्शन में दे रखा है तो दैट विल बी आवर आंसर न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए स्टूडेंट यहां पर हम लोगों को ऐसा कहा है कि ओरिजन से हम लोगों ने एक सर्किल पर टेंजेंट खींची है जो उसे ए और बी पॉइंट पे टच करती है तो ए बी लेंथ के स्क्वायर का सम हमसे पूछा है तो कुछ इस तरह की बात है स्टूडेंट कि ये हमारा सर्किल है ये ओरिजन है से हमने सर्किल पर इस प्रकार से दो टेंजेंट खींची हैं। पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए बी तो ए बी uh, तो की इक्वेशन निकालने के लिए मैं टीवल टू जीरो का फॉर्मूला लगा सकता हूं और यह पॉइंट हमारे पास में क्या है जीरो जीरो स्क्वायर की जगह एक्स इंटू जीरो स्क्वायर की जगह वाई इंटू जीरो

5. अब स्टूडेंट देखिए लेंथ हम लोग के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं तो अगर मैं जीरो 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 प्लस जीरो थ्योरम से निकाल सकते हैं तो वो होगी सिक्सटीन माइनस सिक्सटी फोर अपॉन फाइव इसका स्क्वायर रूट ठीक है ये हो गया स्टूडेंट फाइव 80 64 यानी कि 16 5 का स्क्वायर रूट ठीक ये हो गया हमारे पास में स्टूडेंट ये हो गया 4 √5 तो स्टूडेंट जो AB लेंथ है वो तो 2 टाइम्स AC है यानी वो हो गई 8 √5 अब हमसे क्वेश्चन में स्टूडेंट AB का स्क्वायर पूछा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64 5 तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो यहां पर देखिए ये कहा है है कि एक लाइन इज टेंजेंट टू दिस एंड इट इज ऑल्सो दिस सर्किल एट दिस पॉइंट तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग एलवन की इक्वेशन निकाल लेते हैं एलवन इस सर्किल के इस पॉइंट पर टेंजेंट है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू वन बाई रूट टू प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वन बाई रूट टू इक्वल टू वन अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास माइनस है। तो सिंपल सी बात है ये जो लाइन है स्टूडेंट, इसका जो स्लोप है, चूंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप अगर कोई लाइन L1 के तो वन के परपेंडिकुलर है कि हम लोगों को यह भी कहा है कि यह लाइन इस सर्किल की टेंजेंट है इस लाइन की इक्वेशन हो गई एम को मैंने यहां वन रखा तो एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर ये लाइन इस सर्किल की टेंजेंट है स्टूडेंट तो इसके सेंटर से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के बराबर होगी इसका सेंटर है थ्री जीरो इससे मैंने इस पर डाला तो थ्री माइनस जीरो प्लस सी अपॉन रूट ओवर टू दिसरिंग कर देते हैं नाइन प्लस सी स्क्वायर प्लस सिक्स सी इक्वल टू टू दैट इज सी स्क्वायर प्लस सिक्स सी प्लस सेवन इक्वल टू जीरो हमें स्टूडेंट तो रिलेशन मिला और ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है फर्स्ट हमारा हो गया। 22 साथ में टू कॉमा जीरो से पास होता है तो विच ऑफ लाइंस इज नॉट ए टेंजेंट टू दिस सर्किल ऑप्शंस में जो लाइन जो दे रखी है वो उनमें से कौन सी उस सर्किल की टेंजेंट नहीं है तो पहले स्टूडेंट इसके लिए हमें सर्किल की इक्वेशन को निकालना पड़ेगा तो स्ट्रेंड देखिए कि सर्किल जो है वो वाई एक्सिस को जीरो फोर पर टच करता है और टू कॉमा जीरो से पास होता है तो देखिए मान लीजिए स्टूडेंट कि इस प्रकार का हमारा सर्किल है जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है जीरो कॉमा फोर और एक्स एक्सिस पर वो टू कॉमा जीरो से पास होता है ठीक है अब देखिए स्टूडेंट कि ये हमारे पास में सर्किल का सेंटर है इस पॉइंट की अगर मैं ये डिस्टेंस देखूंगा स्टूडेंट तो ये हमारे पास फोर है तो ये हमारे पास में डिस्टेंस कितनी हो गई फोर के बराबर हो गई अब देखिए स्टूडेंट कि हम लोग क्या करेंगे इस सर्किल की इक्वेशन को निकालने के लिए वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू जीरो तो एक सर्किल है जो इस पॉइंट पर इस लाइन को टच करता है तो मैं उस सर्किल की इक्वेशन के लिए स्टूडेंट उसको मान लेता हूं x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स x इक्वल टू जीरो ठीक है और ये टू कॉमा जीरो से जाता है तो टू कॉमा जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा तो फोर प्लस सिक्सटीन प्लस टू टू जीरो सेवेंटी अपॉन टू यानी माइनस टेन तो सर्किल की हमारे पास में हो जाती है एक्स स्क्सर प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई माइनस में टेन एक्स इक्वल टू जीरो माइनस टेन एक्स माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो स्टूडेंट हमारे पास इस सर्किल की इक्वेशन है अब देखिए स्टूडेंट, इस सर्किल का सेंटर है हमारे पास में 5.4। रेडियस की बात करता हूं तो स्टूडेंट वो आएगा 25 फाइव प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर रूट दैट इज फाइव नाउ अगर हमें एक सर्किल की इक्वेशन पता है और लाइन की इक्वेशन हमें पता है हमें चेक करना है स्टूडेंट की वो लाइन सर्किल की टेंजेंट है या नहीं तो हम कैसे चेक करते हैं हम सर्किल के सेंटर से उस परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे लाइन पर अगर उसकी लेंथ रेडियस के बराबर है तो वो आ, मतलब सर्किल के सेंटर से, से लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के बराबर है तो स्टूडेंट वो लाइन उसकी टेंजेंट होगी तो हम चारों ऑप्शन में स्टूडेंट यही चीज़ चेक करेंगे जैसे हम लोगों ने पहला स्ट्रेट लाइन लिया और उस पर 5.4 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो स्टूडेंट देखिए वो होगा 4 इंटू फाइव ट्वेंटी प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व माइनस एट अपॉन स्टूडेंट फाइव के बराबर आ गया तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर होगा लेकिन देखिए ये आ रहा है स्टूडेंट ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव के बराबर 5 के बराबर नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है ऐसे स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं तो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन थर्ड तो 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 और फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे तो वहां ये फाइव के बराबर नहीं आएगा तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड को देखते हैं देखिए स्टूडेंट इसमें हमें दो सर्किल की इक्वेशन दी गई है दोनों एक दूसरे को टच करते हैं एक पॉइंट पर तो हमसे यह पूछा है कि के की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कितनी हो सकती है तो देखिए स्टूडेंट पहले सर्किल का सेंटर है थ्री कॉमा जीरो और रेडियस की बात करें तो वो होगी नाइन माइनस एट का रूट यानी वन दूसरे सर्किल का सेंटर है स्टूडेंट हम लोगों के जीरो कॉमा फोर और रेडियस की बात करते हैं तो जीरो प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन प्लस के स्क्वायर रूट दैट इज रूट ओवर के अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं अगर एक्सटर्नल टच होता है तो सी वन सी टू इक्वल टू आर वन प्लस टच होता है तो सी वन सी टूल टू आर वन माइनस आर टू होता है तो हम एक बार एक्सटर्नल टच मान करके के निकाल लेते हैं एक बार इंटरनल टच मान करके के निकाल लेते हैं दोनों में से जो भी बड़ा होगा उससे हमें आंसर मिल जाएगा तो एक्सटर्नल टच के लिए चलते हैं तो देखिए स्टूडेंट जीरो जीरो के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी फाइव R1 is 1, R2 is root K. तो यहां से स्टूडेंट रूट के आएगा फोर तो के आएगा सिक्सटीन तो इसमें तो के आया सिक्स देखते हैं रूट के माइनस वन की दो पॉसिबल वैल्यू आई फाइव और माइनस फाइव तो रूट के हुआ स्टूडेंट एक तो सिक्स और एक माइनस फोर अब रूट के माइनस फोर तो हो नहीं सकता रूट के को सिक्स लेता है थर्टी सिक्स तो तो देखिए दोनों में से बड़ी वैल्यू हमें क्या मिली स्टूडेंट थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि वो बड़ा है ठीक है स्टूडेंट समझ गए आप लोग तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो सॉल्यूशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं चलिए थैंक यू